Hello dear students, today is the lecture number 3 for the topic electric potential and capacitance. Dota electric potential or capacitance ka aaj aapke liye lecture number 3 hai. Isme jo topic mein aapko jo padhana hai wo electric potential due to a system of charge. Maine aapko bataya tha beta jo electric potential hota hai wo ek scalar quantity hoti hai aur jo scalar quantity uska जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसका जो सम होता है वो एक एल्जेब्रिक सम होता है, जबकि एक जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका वेक्टर एल्जेब्रिक सम होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए मान लीजिए बेटे हमारे पास ये एक बैंड पी है और इस पी बैंड से मान लीजिए बेटे एक चार्ज क्यू वन है और एक चार्ज क्यू टू है और मान लीजिए बेटे एक चार्ज आपके पास क्यू थ्री है। आपके पास बेटे qn चार्जेस हैं, यानी कि पॉइंट p के चारों तरफ आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं। मान लीजिए बेटे q1 का जो डिस्टेंस है p से वो r1 है और q2 से जो डिस्टेंस है वो आपके पास r2 है और q3 से डिस्टेंस आपके पास r3 है। इसी प्रकार से qn का डिस्टेंस आपके पास rn है। इन सभी चार्ज के लिए मुझे पॉइंट p पर एक टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बेटे पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन, मान लो बेटे इसको मैं वी वन मान लेता हूँ, तो बताओ बेटे वी वन होगा वो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन क्यू वन अपॉन आर वन हुआ है नहीं। सो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू टू, जो पोटेंशियल होगा क्यू टू चार्ज के लिए बताओ बेटे वी टू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू टू अपॉन आर टू होगा या नहीं होगा। इन द सिमिलर वे पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एन जो होगा वो आपके पास, अगर मान लो बेटे मैं उसको वी एन मान लेता हूँ, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन अपॉन आर एन होगा नहीं होगा। तो बेटे मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी में हम सभी को हम जोड़ देते हैं। तो बताओ बेटे जो टोटल पोटेंशियल होगा, जो टोटल पोटेंशियल होगा इट विल बी द वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू अप टू सो ओम। तो बेटा अगर इसमें हम ऑब्जर्व करें तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो बेटा हमारे पास सभी में कॉमन है, तो क्यू वन अपॉन आर वन प्लस क्यू टू अपॉन आर टू प्लस क्यू एन अपॉन आर एन इट इज द टोटल पोटेंशियल टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस के। और तो बेटे एक बात आपको और समझनी है, अगर मान लीजिए कोई चार्ज की वैल्यू निगेटिव है तो बेटे निगेटिव के लिए पोटेंशियल भी निगेटिव हो जाता है, कारण जो स्केलर क्वांटिटी होती है, मान लीजिए बेटे एक चार्ज मेरे पास माइनस का क्यू है, तो बेटे जब मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करूंगा वी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन, इसके लिए मान लो पोटेंशियल में किसी डिस्टेंस आर पर निकाल रहा हूं तो क्यू अपॉन आर मेरे पास जनरल फॉर्मूला है। अगर निगेटिव साइन है तो यहां पर आप निगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि वोल्टेज जो होती है, जो पोटेंशियल है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। जो भी कोई स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज का साइन लगाया जाता है, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव तो हो गई, लेकिन अगर निगेटिव होगा तो आप निगेटिव साइन को शो करेंगे। इस वजह से इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस का वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर करेक्ट। तो ये बेटा आपके पास था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अब बेटा कुछ आपके पास में प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सो प्रॉब्लम्स लेता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन बेटा वैसे समझिए, मान लीजिए बेटे एक ये मेरे पास एक सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस आपके पास आर है, मान लीजिए बेटे यहां पर चार्ज क्यू है और एक चार्ज मान लीजिए पॉइंट, उसको आप क्यू वन नाम दे सकते हैं। ये जो चार्ज है इसको मैं पॉइंट ए नाम देता हूँ, ये मान लीजिए बेटे मैं बी नाम देता हूँ। ये चार्ज जो क्यू वन चार्ज है ए से लेकर बी तक आ जाता है, जो क्यू बेटे यहां पर क्यू क्यू चार्ज है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है,
करेक्ट। ये जो चार्ज है ए पॉइंट से लेकर बी तक मूव करता है, तो हमें जो वर्क निकालना है, फाइंड वर्क फॉर मूविंग द चार्ज क्यू वन फ्रॉम ए टू बी। अब अगर इस चार से मैं यहां पर बात करूं और इस चार से मैं यहां पर बात करूं तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है, तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट ए एंड बी फॉर चार्ज क्यू, बताओ वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा नहीं होगा? कारण भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू के इन टू क्यू अपॉन आर। अब आर आपके पास ए से भी बराबर है और आपके पास वी भी बराबर, तो वी ए और वी भी बराबर हुआ नहीं हुआ? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, वी आपके पास वी ए माइनस वी बी आपके पास बताओ बेटे जीरो हुआ है नहीं? अब अगर मान लो बेटे इस चार्ज जो आपके पास यहां से लेकर यहां तक मूव करा है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वन होगा नहीं होगा? अरे बेटे जब मेरे पास वी की वैल्यू ही जीरो है तो बताओ डब्ल्यू आपके पास जीरो हुआ या नहीं हुआ? ये बड़े कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, अक्सर पेपर में आती है। अरे किसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए बेटे मेरे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड से भी आपके पास बी है, करेक्ट, और ये इसका डायगोनल है, ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लीजिए बेटा आपके पास ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। इन द सिमिलर वे मान लीजिए बेटा इस ओ पर एक टेस्ट चार्ज, मान लीजिए ओ पर आपका चार्ज क्यू है और एक जो अनदर चार्ज क्यू वन है, वो क्यू वन जो मूव करता है ए से लेकर वो बी तक मूव करता है, तो वही चीज बेटा हमें वर्क निकालना है, वर्क फ्रॉम ए टू बी ऑन मूविंग द चार्ज क्यू वन, करेक्ट। तो देखो बेटे जो अगर आप ध्यान से देखें बेटे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, तो देखो बेटे पोटेंशियल एट ए एंड बी ड्यू टू चार्ज क्यू विल बी द सेम, क्योंकि ओ ए भाई वी का फॉर्मूला क्या है, के इन टू क्यू अपॉन आर। इस चार से पोटेंशियल यहां पर निकाला, इस चार से पोटेंशियल हमने यहां पर निकाला, तो ओ ए यानी कि आर तो मेरे पास बराबर है, क्यू भी बराबर है, के कांस्टेंट है, तो बताओ वी ए इज इक्वल टू वी बी हुआ क्या? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज द अगेन जीरो, तो बताओ बेटे इस चार्ज को घुमाने के लिए, मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू वन, तो जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वन, तो वर्क इज अगेन द जीरो। This is your answer. Correct. एक अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। बेटा क्वेश्चन तो मान लीजिए बेटा आपको दिया है, ये एक आपके पास O बाइंड है, इस पर मान लीजिए बेटा एक चार्ज क्यों रखा है, करेक्ट, और ये एक लाइन है एक्स एक्सिस पर, इस पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है ना? तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज हो सकता है और यहां पर निगेटिव क्यू भी चार्ज हो सकता है। तो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछता है आपसे, वो पूछता है वी ए माइनस वी बी विल बी पॉजिटिव और निगेटिव फॉर द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, यानी कि अगर एक बार चार्ज प्लस क्यू रखा है तब आपको वी ए माइनस वी बी का डिफरेंस निकालना है। वो पूछता है कि वो वी ए माइनस वी बी जो होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, और दूसरी बार चार्ज मान लीजिए आपके पास माइनस का क्यू है, अब आपके पास जो वी ए माइनस वी बी होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा आपको ये बताना है।
तो देखो बेटा सॉल्यूशन के लिए डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है, मान लेते बेटे कि ये डिस्टेंस यहां से आपके पास आर ए है और यहां से डिस्टेंस आपके पास आर बी है, करेक्ट? नो डाउट आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। अब पहला बेटे प्लस क्यू चार्ज के लिए निकाल लेते हैं, तो बताओ बेटे जो वी ए होगा वो के इंटू क्यू अपॉन आर ए होगा, एंड जो वी बी होगा वो के इंटू क्यू अपॉन आर बी हुआ या नहीं हुआ। हमें क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। देखते बेटे वी ए माइनस वी बी जो पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, तो दो बेटे के इंटू क्यू तो आपके पास कॉमन आ रहा है, करेक्ट? वन अपॉन आर ए माइनस का वन अपॉन आर बी आता है, करेक्ट? तो के इंटू क्यू आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए डॉट आर बी, करेक्ट? अब देखो बेटे आर बी जो है वो आर ए से बड़ा है, इट मीन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, सो द डिफरेंस विल बी द पॉजिटिव, सो वी ए माइनस वी बी इज द पॉजिटिव। तो ये आपका प्लस क्यू के लिए आंसर आया। फॉर माइनस क्यू देखो बेटे माइनस क्यू चार्ज के लिए हम रफली निकाल सकते हैं, बट देखो बेटे ये डाटा सेम आएगा, सिर्फ वैल्यू किसकी चेंज होगी, आपकी क्यू की वैल्यू चेंज होगी। तो क्यू जो होगा यानी कि ये तो हमारे पास पॉजिटिव आना ही आना है, लेकिन क्यू की वैल्यू तो मेरे पास निगेटिव जाएगी निगेटिव चार्ज के लिए। तो बताओ बेटे वी ए माइनस वी बी जो होगा वो निगेटिव होगा नहीं, दिस इज योर आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा अभी। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, आप समझिए बेटे, देखिएगा आप लोग। आपको बेटे दो चार्ज दे रखे हैं, ये दो चार्ज आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट पर है, इसके ए पॉइंट मान लेते हैं बेटे हम, बी पॉइंट मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पर एक चार्ज की वैल्यू जो दे रखी है वो आपको 3×10⁻¹ कूलम की दे रखी है, और जो Q2 की जो वैल्यू है वो आपके पास माइनस का 2×10⁻¹ कूलम है, और जो सेपरेशन दिया है इनके बीच में वो हमें वो जो दिया है R इज इक्वल टू वो 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है बेटा। इसको बेटे में 15×10⁻²⁰ मीटर हम कर सकते हैं, करेक्ट? वो क्या पूछता है क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। सॉल्यूशन बेटा वो पूछता है किस ये जो ए और बी जो दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपके पास 15 सेंटीमीटर दे रखा है, वो पूछता है ये जो लाइन ज्वाइन हुई है इसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, वो हम पॉइंट सी मान लेते हैं। वो पूछना चाहता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ है। तो देखो बेटा इस चार्ज से मैं पोटेंशियल यहां पर निकालूंगा, इस चार्ज से मैं पोटेंशियल यहां पर निकालूंगा, तो अगर पोटेंशियल मुझे आर ये डिस्टेंस निकालना है एसी, तो मान लेता हूँ बेटे ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस मेरे पास एक्स है, तो बताओ बेटे ये आपके पास 15 माइनस ये अगर एक्स सेंटीमीटर है तो 15 माइनस एक्स सेंटीमीटर हुआ है नहीं, तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्यू वन। अब बेटे हम क्यू वन के लिए पोटेंशियल निकालते हैं कहां पर, सी पर, तो बताओ बेटे इसको मैं वी ए कह सकता हूं क्या, तो के इंटू क्यू वन अपॉन एक्स होगा नहीं होगा, करेक्ट? एंड पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्यू टू जो वी बी होगा वो के इंटू क्यू टू अपॉन 15 माइनस एक्स होगा नहीं होगा। हमें गिवन है बेटे क्या है, टोटल पोटेंशियल विल बी द जीरो, और बेटे ये चार्ज आपके पास माइनस का है तो माइनस का साइन मुझे लेना है, ठीक है ना? वैल्यू अभी मैंने पुट रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं। वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वी ए इज इक्वल टू माइनस का वी बी,
तो v की वैल्यू क्या है मेरे पास, k इंटू क्यू वन अपॉन एक्स एंड k माइनस का q2 अपॉन 15 माइनस एक्स। तो दो बटे k से तो k कट गया आपके पास। अब q1 और q2 की वैल्यू पुट कर देते, q1 हमारे पास कितना बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन x एंड व्हाट इज द q2, और ये माइनस माइनस बेट हो जाएगा आपके पास प्लस। तो q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 15 माइनस x, किससे घटा तो जो उठे 15 दिया 45 माइनस का 3x इज इक्वल टू 2x, तो 15 इज इक्वल टू 5x, तो 5 9 जो 45 9 सेंटीमीटर। यानी कि जो x है, यानी कि जो c, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा वो क्या कहां पर होगा, a पॉइंट से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर वो। सो दिस सॉल्व्स पोटेंशियल विल बी जीरो एट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम q1, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटे, ओके आज के बेटे लिए यहां पर, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन मोड करवाऊंगा भी आपको। ओके okay.